हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज, जिसमें 7 से 8 हज़ार क्वेश्चंस का सीरीज है, जिसका मैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करा करके आपको पूरा करा रही हूँ। जैसा कि दोस्तों डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ तैयार हो जाइए आज के सेशन 50 क्वेश्चंस को लगाने के लिए। एंड जो भी आपने थ्योरी सेशन पढ़ा हुआ है और जिस टॉपिक में आप कमजोर हैं उस पर उसको बार बार ध्यान दीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। एंड यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट का हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, एमपी सुपर टेट हो, तो मेरे चैनल पर सभी प्रकार की वीडियोज है, थ्योरी सेशन, एमसीक्यू, ऑनलाइनर क्वेश्चन, और मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस भी करा रही हूँ। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक किन महीनों में आयोजित किए जाते थे? तो प्राचीन ओलंपिक जो है वह अगस्त सितंबर के महीने में आयोजित किए जाते थे। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ था? 776 ईसा पूर्व में हुआ था। और आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 ईस्वी में एथेंस के पेनाथोनिक स्टेडियम में हुआ था। बैरन पीरेडी कुबर्टी को आधुनिक ओलंपिक का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है, ओलंपिक के लिए कौन सा इवेंट प्रथम और मौलिक था? तो ओलंपिक के लिए कौन सा इवेंट प्रथम और मौलिक था? तो पथ दौड़। नेक्स्ट, 776 ईसा पूर्व में आयोजित प्रथम ओलंपिक इवेंट कितने दिनों तक चला था? जो 776 ईसा पूर्व में आयोजित प्रथम प्राचीन ओलंपिक था कितने दिनों तक चला था? तो वह एक दिन तक चला था। नेक्स्ट है, जीएस देवता की पत्नी के सम्मान में आयोजित महिलाओं का उत्सव था, कहा था दोस्तों हेरा का उत्सव मनाती थी महिलाएं, जीएस देवता की पत्नी हेरा के सम्मान में हेरा का उत्सव होता था, यानी कि महिलाओं द्वारा यूनानी देवता जीएस की पत्नी हेरा के सम्मान में इस महोत्सव में महिलाओं के लिए एथलेटिक स्पर्धाएं होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किसके द्वारा पारित आज्ञप्ति के कारण प्राचीन ओलंपिक्स बंद कर दिया गया? जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व से 394 ईस्वी तक कुल 293 ओलंपिक संपन्न हुए थे, जिसमें 394 ईस्वी में रोम के तत्कालीन सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने इस पर रोक लगा दी। किसने? थियोडोसियस प्रथम ने। नेक्स्ट है, प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक में कितनी शताब्दियों का अंतराल था? प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक में 15 शताब्दियों का अंतराल था। नेक्स्ट है, पुराने ओलंपिक्स कितनी शताब्दियों तक चलते रहे? तो पुराने ओलंपिक्स जो है कुल 12 शताब्दी तक चला, यानी कि 1200 वर्ष तक चला। 776 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईस्वी तक कुल 293 ओलंपिक संपन्न हुए, यानी 1200 वर्षों तक। नेक्स्ट है, निम्न में क्या विषम है? यहां पे है मिलरवाल फ्रेंच लोकार्ड एमसी फेरसन। तो दोस्तों मिलरवाल वाली टेस्ट, फ्रेंच स्टेल्टर बैडमिंटन टेस्ट एंड लोकार्ड एमसी फेरसन बैडमिंटन टेस्ट, ये तीनों के तीनों बैडमिंटन टेस्ट से रिलेटेड हैं, बट लिलीच नहीं है, ख आपका राइट होगा, ये विषम है। नेक्स्ट है, वातावरण से आए हुए ऑक्सीजन का दाब वायु कोश यानी एल्वोलाई में कितना होता है? जो कुपिकाएं होती है जिसमें से गैसों का आदान प्रदान होता है, तो वातावरण से आए हुए ऑक्सीजन का दाब जो है एल्वोलाई में होता है 100 mmHg। ठीक है, एल्वोलाई में होता है 100 mmHg, बट एल्वोलाई में 100 mmHg होता है, बट रक्त वाहिनियों में 37 से 40 mmHg होता है। तो जैसे कि वायु का सिद्धांत है कि वह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाता है,
यानी कि जब पल्मोनरी धमनी लेकर जाती है फेफड़ों में अशुद्ध रक्त को, वहां पे उसकी मुलाकात होती है एल्वोलाई से। एल्वोलाई में ऑक्सीजन का जो दाब होता है वह 100 mmHg होता है और रक्त में जो होता है 37 से 40 mmHg होता है। तो जो वायु होता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाता है, तो ऑक्सीजन जो है एल्वोलाई से रक्तवाहिनियों में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्तवाहिनियों से एल्वोलाई में जाता है। इस प्रकार रक्त शुद्ध होकर के पुनः पल्मोनरी शिराओं के द्वारा बाएं अलिंद में जाता है, फिर बाएं निलय में जाता है, फिर बाएं निलय से एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में जाता है और महाधमनी से समस्त शरीर में के अंगों तक पहुंचता है। गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस जिसे बोला जाता है एल्वोलाई में, यानी कि रक्त कुपिकाओं में। नेक्स्ट है, नस की छोरों की यांत्रिक और रासायनिक उत्तेजना का एक लक्षण है, तो इसका लक्षण है चिड़चिड़ापन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंग रक्त वाह कोशिकाओं के निर्माण का कारण है? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है एंड भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण यकृत में होता है, यानी लीवर में। तो यकृत प्लीहा दोनों आपका सही होगा, बट यहाँ पे ज्यादा इस ऑप्शन में कंफ्यूजन है दोस्तों। रक्त का निर्माण तो अस्थि मज्जा यानी कि जो लंबी अस्थियां होती हैं उसके बीच वाला जो खाली स्थान होता है जिसे हेवर्सियन नाल कहते हैं, उसी में बोन मैरो होता है जिसे रक्त का निर्माण होता है। बट यकृत में जो लीवर में होता है, भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। ये आपका क्वेश्चन आता है, अब बट यहाँ पे राइट हो जाएगा यकृत ही, बट यहाँ आंसर प्लीहा दिया है, ठीक है? तो राइट आपका यकृत होगा यानी लीवर। प्लीहा क्या होता है? स्प्लीन जो है ब्लड बैंक बोला जाता है। जो रक्त है, रक्त कहाँ पे जाके मरता है? तो स्प्लीन यानी प्लीहा में जाके मरता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक बोला जाता है। नेक्स्ट, वर्धित रक्त प्रवाह और कोशिका चयापचय में गति वृद्धि सूचक है, तो यह सूचक है सूजन का। नेक्स्ट है, निम्न लिखित ऊर्जा के रूपों में सर्वाधिक भेदन क्षमता किसमें होता है? तो अल्ट्रा वायलेट रेंज में सर्वाधिक भेदन क्षमता होता है। नेक्स्ट है, निम्न लिखित ऊर्जा के रूपों में किसमें सबसे अधिक आवृत्ति होती है? तो सबसे अधिक आवृत्ति होती है लघु तरंगे यानी सूक्ष्म तरंगों में। नेक्स्ट है, उष्मा के स्थानांतरण की विधि जिसमें वायु अथवा जल संचरण के द्वारा एक पदार्थ का शीतलन और उसके पश्चात दूसरे पदार्थ का तापन शामिल है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों, यह प्रक्रिया कहलाती है संवहन, कन्वेक्शन। संवहन क्या होता है? जैसे पानी गर्म कैसे होता है? संवहन प्रक्रिया द्वारा, ठीक है? जैसे कि आपको पता है कि जो गर्म चीजें, गर्म वायु जो है वह ऊपर जाती है और गर्म वायु हल्की होती है जो ऊपर की तरफ उठती है और ठंडी वायु भारी होती है जो नीचे की तरफ रहती है। तो जैसे कि हम पानी गर्म करते हैं तो पूरे बर्तन एक साथ तो गर्म होता नहीं, नीचे का पानी गर्म होता है और गर्म होकर के ऊपर उठता है और फिर ऊपर का पानी नीचे आता है। इस प्रकार पूरा पानी गर्म हो जाता है, उष्मा का स्थानांतरण होता है, इसी कहते हैं संवहन। नेक्स्ट है, निम्न में से निम्नलिखित टखने के संधि योजन में कौन सी पेशियां मध्यवर्ती अथवा आंतरिक घूर्णन के लिए उत्तरदायी हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टखने के संधि योजन में कौन सी पेशियां मध्यवर्ती अथवा आंतरिक घूर्णन के लिए उत्तरदायी है? तो यह है गैस्ट्रो इनेमियस यानी जठर गुर्दा संबंधी। नेक्स्ट है, निम्न में टखने के संधि योजन में कौन सी संधियां पृष्ठीय आकुंचन के लिए उत्तरदायी है?
तो पृष्ठि यानी पीछे के आकुंचन के लिए टिबियस टिबियलस एंटीरियर होता है और टिबियस टिबियलस एंटीरियर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों दूरी है। दूरी क्या है? अदिश राशि है कि सदिश राशि है? अदिश मात्रक है कि सदिश मात्रक है? जैसा है कि अदिश सदिश, सदिश मतलब दिशा सहित, यानी कि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता हो सदिश राशि होती है। अदिश मतलब जिसमें दिशा की आवश्यकता न हो बल्कि परिणाम की आवश्यकता हो अदिश राशि है। जैसा कि दोस्तों होता है दूरी, दूरी यानी चाल, जो स्पीड होता है यह विशेष दिशा में नहीं होता है, इसलिए अदिश राशि है। क्या है? यह अदिश मात्रक है, इसके लिए यानी अदिश मात्रक है। जबकि वेलोसिटी जो होता है, जो वेग होता है, वो एक निश्चित दिशा में होता है, इसलिए वेग यानी दूरी या चाल आपका अदिश राशि है। विस्थापन और वेग जो है वो सदिश राशि है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है औसत वेग भी किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर है क, डब्ल्यू टू आर अपॉन टी। नेक्स्ट है त्रिज्या कोणों से परिणाम, त्रिज्या कोणों से परिमाण को डिग्री में बदलने के लिए किससे गुणा किया जाता है? त्रिज्या कोणों से परिमाण को डिग्री में बदलने के लिए किससे गुणा किया जाता है? तो 57.3 से गुणा किया जाता है। नेक्स्ट है डिग्री को त्रिज्या कोण में बदलने के लिए किससे गुणा किया जाता है? तो 0.0175 से गुणा किया जाता है। नेक्स्ट है दो पिंड खंडों, टू बॉडी सेगमेंट के बीच के कोण यानी डिग्री को कहते हैं, तो इसको कहते हैं सापेक्ष कोण, नॉन रिलेटिव एंगल। नेक्स्ट है औसत कोणीय वेग किसके बराबर होता है? तो इसका आप सही ऑप्शन है क। नेक्स्ट है विद्यालय में निर्देशन का कार्य निम्नलिखित में से कौन किसका होता है दोस्तों? तो जैसा कि आप सब जानते हैं विद्यालय में निर्देशन का कार्य प्रधानाचार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में निर्देशन के निम्नलिखित प्रकारों में किसमें मनोविज्ञान का प्रयोग होता है? तो दोस्तों व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, इन तीनों में होता है। उपरोक्त सभी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है स्कूल मनोविज्ञान, स्कूल में स्कूल मनोवैज्ञानिक स्कूल में निम्नलिखित में से क्या करते हैं? ठीक है, स्कूल मनोवैज्ञानिक स्कूल में निम्नलिखित में से क्या कार्य करते हैं? तो वह परामर्श देने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? अध्यापन का कार्य तो टीचर करता है, नियंत्रण का काम प्रधानाचार्य करता है, ठीक है, परामर्श का काम स्कूल मनोवैज्ञानिक स्कूल में करते हैं। नेक्स्ट है मनोविज्ञान की दृष्टि से सही अनुशासन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे सही अनुशासन है मनोविज्ञान की दृष्टि से आत्म अनुशासन, अपने आप पर अनुशासन। नेक्स्ट है सिर के पश्च भाग की ओर भ्रूण के विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछा जाना चाहिए था कि सिर से पैर तक के जो भ्रूण का विकास होता है वह कौन सा सिद्धांत माना जाता है? तो उसे कहते हैं सिफेलोकोडल। ठीक है, क्या कहते हैं? सिफेलोकोडल, अस्त मस्तका द्विमुख कहा जाता है हिंदी में, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सिफेलोकोडल। एक होता है सिर से पैर तक का विकास जो भ्रूण का होता है सिफेलोकोडल बोला जाता है, एंड केंद्र से बाहर की ओर जो विकास होता है उसको प्रॉक्सिमोडिस्टल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में जीव के विकास के पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है? तो संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों पहलू है गर्भावस्था में जीव के विकास के पहलू, संरचनात्मक और क्रियात्मक
दोनों होता है तो राइट ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में जीव के विकास की पहली अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो पहली अवस्था होता है परिपक्व भ्रूणावस्था। नेक्स्ट है, मानव का जन्म निम्न में से किसमें होता है? तो मानव का जन्म फलित रज अणु के रूप में होता है। नेक्स्ट है, मानव शिशु का काल संप्रत्यय टाइम ट्रुथ निम्न में से किस आयु में प्रारंभ होता है? तो यह प्रारंभ होता है 3 वर्ष की आयु में काल संप्रत्यय। नेक्स्ट है, मानव चिंतन के विकास में अहम का संप्रत्यय निम्न में से किस आयु में आरंभ होता है? तो मानव चिंतन के विकास में अहम का संप्रत्यय 6 माह में आरंभ होता है। नेक्स्ट है, मानव में चिंतन के विकास में सबसे पहला संप्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो अहम का संप्रत्यय सबसे पहला संप्रत्यय होता है मानव चिंतन के विकास में। नेक्स्ट है, चिंतन का परिणाम निम्न में से कौन सा होता है? चिंतन यानी तर्क कर रहे हैं आप, तो उसका परिणाम होगा समस्या सुलझाओ। क्या होगा? समस्या सुलझाओ। नेक्स्ट दोस्तों, चिंतन में पहला सोपान निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों प्रयत्न और भूल। चिंतन यानी तर्क का पहला सोपान प्रयत्न और भूल होगा, और लास्ट यानी परिणाम उसका समस्या का समाधान होगा, समस्या सुलझाव होगा। प्रारंभ में आप चिंतन करेंगे, उससे समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप प्रयत्न करेंगे, कुछ भूल करेंगे, लास्ट में परिणाम आप क्या होगा कि आप उस समस्या को सुलझा लेंगे अपने बुद्धि और चिंतन के द्वारा। तो यह प्रारंभ अवस्था होता है चिंतन का प्रयत्न और भूल, और परिणाम होता है समस्या का सुलझाव। ठीक है, नेक्स्ट है, मनोविज्ञान में निम्न प्रक्रियाओं में से किसे प्रतीकात्मक व्यवहार कहा जाता है? तो चिंतन को प्रतीकात्मक व्यवहार कहा जाता है। किसको? चिंतन को प्रतीकात्मक व्यवहार कहा जाता है मनोविज्ञान में। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान में समस्या सुलझाव की प्रक्रिया निम्न में से कौन सी होती है? दोस्तों तो चिंतन होता है, तर्क होता है, बुद्धि होता है। नेक्स्ट है, चिंतन का प्रमुख रूप निम्न में से क्या है? तो चिंतन का प्रमुख रूप क्या है? तर्क है। चिंतन करेंगे तो आप तर्क करेंगे, सही गलत का उस पर कार्य करेंगे, ट्रायल और एरर करेंगे। नेक्स्ट है, ओलंपिक पदक का व्यास कितना होता है? तो ओलंपिक पदक का व्यास 60 mm होता है। नेक्स्ट है, प्रथम ओलंपिक ऑर्डर सम्मान प्राप्त करता है? तो दोस्तों प्रथम ओलंपिक ऑर्डर सम्मान दिया गया, इसका सही जवाब है घ, एवरी ब्रिडेज, अमेरिका की रहने वाली थी एमरी ब्रिडेज को दिया गया है। ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार जो है IOC द्वारा दिया जाता है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा। ओलंपिक के विकास में सहयोग देने वाले व्यक्ति को ओलंपिक मूवमेंट के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1975 में हुआ था। इस पुरस्कार में 3 स्तर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज होता है। पुरस्कार स्वरूप सोने की चैन जिसमें ओलंपिक के 5 छल्ले बने होते हैं, जैतून के पत्ते और टहनियों के आकार की होती है। और दोस्तों पहला ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार दिया गया एवरी ब्रिडेज को, जो अमेरिका के हैं। एंड अभी तक में 2 बार पुरस्कार दिया गया है नादिया कोमानेस्टी, रोमानिया के जिम्नास्ट नादिया कोमानेस्टी को 1983 और 2004 में। सबसे युवा पुरस्कार, सबसे युवा खिलाड़ी थी। एंड भारत ने सर्वप्रथम यह पुरस्कार स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को 1983 में दिया गया है 9वीं एशियाड के सफल आयोजन के लिए। एंड अभी तक भारत में ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है सबसे ज्यादा बार, नाम आता है तो इसमें आपका दिया गया है जाल डी पाड़ीवाल को, LN खुराना को,
डॉक्टर चटर्जी को एंड चमनलाल मेहता को, मूलचंद्र चौहान को, जसदेव सिंह आदि को, अश्विनी कुमार को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारतीय ओलंपिक ऑर्डर सम्मान से सम्मानित नहीं है? तो दोस्तों कौन सम्मानित नहीं है इसको आपको देखना है। इंदिरा गांधी है, जसदेव सिंह है, अविनाश चंद्र चटर्जी है, बट यहां पे जमशेद जी टाटा नहीं है। इंदिरा गांधी को 1983 में दिया गया ओलंपिक ऑर्डर, जसदेव सिंह को 1985 में एंड अविनाश चंद्र चटर्जी को 1981 में। नेक्स्ट, ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यह है थियोडोर रूजवेल्ट, यूएसए का। नेक्स्ट है, परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांकों में वृद्धि के लिए निम्नांकित में से किस तरह के सुझाव को आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो इसमें राइट होगा ग, परीक्षण के एकांशों का विभेद सूचकांक अधिक हो तथा कठिनता स्तर मध्य श्रेणी का हो। नेक्स्ट है, जब कोई परीक्षण उस गुण या विशेषता को सही ढंग से मापता है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों आप सही आंसर दे लिए होंगे, उसे कहते हैं परीक्षण की वैधता, यानी वैलिडिटी। ठीक है, किसी भी परीक्षण को क्राइटेरिया को चेक करने के लिए है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड। जिसमें से वैलिडिटी जो होता है कि जिस परीक्षण को हम जिस लिए बनाए हैं क्या उसी गुण को माप रहा है या नहीं, तो माप रहा है तो वैध माना जाएगा। नेक्स्ट है, परीक्षण प्राप्तांकों की वैधता के कई गुण होते हैं, निम्नमें से किसे उन गुणों में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे वैधता से तात्पर्य परीक्षण प्राप्तांकों की पुनरुत्पादकता से है, ये आपका शामिल नहीं किया जा सकता, जबकि वैधता एक सापेक्ष पद है। ठीक है, वैधता किसी परीक्षण की निश्चित गुण नहीं होती है, वैधता की अभिव्यक्ति मात्र में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि वैधता के कई प्रकार हैं जो निम्न है, इसमें से कौन सी वैधता है जिसे इस सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो दोस्तों घ है जो इसमें सूची में शामिल नहीं किया गया है, उसके अलावा अंतरवर्षीय वैधता, कसौटी संबंधी वैधता, रचनात्मक वैधता या वैधता के प्रकार है। नेक्स्ट है, शोध कार्य में जनसंख्या इकाइयों का कोई भौतिक आधार नहीं होने पर उसकी कल्पना करके जनसंख्या का निर्धारण किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है काल्पनिक जनसंख्या, कल्पना करके निर्धारण किया जाता है। तो नेक्स्ट है, शोध कार्य में जब जनसंख्या की सभी इकाइयां वास्तविक होती है तो उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों वास्तविक जनसंख्या। तो दोस्तों ये था 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो बहुत ही हार्ड लेवल पे था एंड सोचने समझने की इसमें बहुत जरूरत थी, और कुछ क्वेश्चंस आपके रिलेटेड थे जैसे ओलंपिक ऑर्डर एंड मांसपेशियां रक्त। तो डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों को आप अभ्यस्त हो जाएंगे, प्रश्नों को समझने लगेंगे कौन क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और जो भी डाउट हो उसे भी कमेंट में बताइए, डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड दोस्तों फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।